अगर बाज़ार जैसी भिंडी दो प्याज़ा घर पे ही मिल जाएं तो बाज़ार में खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद मानसी। आज हम बनाएंगे भिंडी दो प्याज़ा। बहुत ही टेस्टी डिलीशियस सब्ज़ी बनके तैयार होगी, बाज़ार से भी बढ़िया बनेगी। तो देखते हैं इसे किस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसको प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ब्लेंडर का जार लिया है जिसमें एक छोटा पीस मैंने अदरक डाला है, 3-4 कलियाँ मैंने गार्लिक की ली हैं और 3 यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के। इसको हम पीस लेंगे। अब हमने यहाँ पे भिंडी ली है, इसको अच्छी तरह से पहले हमें धोना है, फिर इसको आप वाइप कर लीजिए, किसी भी कपड़े से वाइप कर लीजिए या आप इसको सुखा लीजिए। भिंडी को हमें थोड़े बड़े और मोटे पीसेज में काटना है। इसका जो ऊपर का पोर्शन होता है और नीचे का जो पोर्शन है उसको कट कर देना है, बाकी हमें इस तरह से मोटे पीसेस में कट कर लेना है। हमने गार्लिक की और जिंजर की क्वांटिटी भी कम रखी है क्योंकि हमें उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बस हल्का सा टेस्ट आना चाहिए। इसलिए 3-4 हमें गार्लिक लेनी है और हमें छोटा पीस जिंजर का लेना है। अब मैंने यहाँ पे 3 प्याज लिए हैं, आप देख सकते हैं मैंने बड़े साइज़ का प्याज जो है उसको अलग रख दिया है क्योंकि उसे अभी हमें चॉप करना है बारीक। और इस तरह से प्याज के कुछ हमें शेल्स भी बना लेने हैं, ये बड़े पीसेस हम कट करेंगे। इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है जब हम इनको कुक करते हैं और उसके साथ ही ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए मैंने अनियन शेल्स बना लिए हैं। अब ये वाली प्याज जो है इसको हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। अब हम लेंगे कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ऑयल तेज़ गर्म हो जाएगा उसमें जो हमारे भिंडी के पीसेज हैं हम उनको डालेंगे। लगभग मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच ऑयल लिया है, बाकी आपका मन है। अगर आप ज़्यादा ऑयल लेना चाहते हैं, ज़्यादा ऑयल में भिंडी को डीप फ्राई करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब हमें इसे कुक करना है तो फ्लेम को हम हाई पे ही रखेंगे और लगभग 7 से 8 मिनट के लिए हमें इसी तरह से भिंडी को कुक करते रहना है। ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है, बस हल्के हाथों से भिंडी को इस तरह से चलाते हुए कुक करते रहना है। ये देखिए ये अच्छी तरह से कुक हो गए हैं, ओवर कुक नहीं किया है। इनको बाहर निकाल लेंगे। लगभग 7 से 8 मिनट के लिए मैंने इसे हाई फ्लेम पे ही कुक किया है। अब जो बचा हुआ ऑयल है उसमें हम जो हमारे अनियन शेल्स हैं उनको डाल देंगे और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ डाल देंगे। मैंने रफली चॉप करके ऐसी ले ली हैं ग्रीन चिलीज़। अगर आप नहीं खाना चाहते तीखा तो आप मत खाइए, मत ऐड करिए इसमें। इनको भी बस 2 से 3 मिनट के लिए ही हमें हाई फ्लेम पे कुक करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, नहीं तो ये एकदम सॉगी और सॉफ़्ट हो जाएंगे, वैसे हमें नहीं चाहिए। तो बस 3 से 4 मिनट हो गए हैं, ये देखिए। तो इनको अब मैं बाहर निकाल लेती हूँ। फिर से कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, लगभग 1 बड़ा चम्मच। जब ऑयल गर्म होने लगेगा तो इसमें हम डालेंगे जीरा और अजवाइन। दोनों का ही टेस्ट यहाँ पे अच्छा आता है तो हम जीरा और अजवाइन दोनों ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच जीरा ऐड कर दिया है, 1 चम्मच ही अजवाइन ऐड करेंगे। फ्लेवर को और एनहेंस करने के लिए इसमें हम थोड़ा सा हींग भी डालेंगे। अब हम इसमें जो चॉप करे हुए अनियंस हैं वो डाल देते हैं। फ्लेम को हाई पे रखेंगे और इन अनियंस को भी हम 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ही कुक करेंगे। जब तक इनका कलर पूरी तरह से चेंज नहीं हो जाता तब तक हमें इन्हें कुक करना है। अनियंस हमारे अच्छी तरह से कुक हो गए हैं, इनका कलर एकदम चेंज हो गया है। अब जो टमाटर की हमने प्योरी बनाई थी वो हम इसमें डालेंगे। अब इसकी सीजनिंग करेंगे, जिसके लिए हम लेंगे नमक जो कि हमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। साथ ही इसमें डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे जितना तीखा आपको पसंद हो, थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डालेंगे
और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि अमचूर पाउडर। भिंडी हल्की सी खट्टी अच्छी लगती है, वैसे तो हमने इसमें टमाटर भी डाला है, टमाटर से भी खट्टापन आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा हमने टेस्ट को और बढ़ाने के लिए अमचूर पाउडर भी डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चना मसाला पाउडर डाला है, बहुत ही थोड़ा सा, इससे भी टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क आता ही है, इसे डालना ज़रूरी नहीं है, अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। हल्का सा चना मसाला पाउडर मैंने ऐड किया है। अब हम इसे अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। ये देखिए मसाला कुक हो चुका है, लेकिन अभी इसे थोड़ा सा और कुक करना है। मैंने अभी यहाँ पे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया और फ्लेवर के लिए हल्की सी कस्तूरी मेथी डाल दी है। बहुत ज़्यादा हमें ऐड नहीं करना है, यानी कि जो इनका फ्लेवर है वो ओवरपावरिंग नहीं होना चाहिए, हल्का सा टेस्ट आना चाहिए, इसलिए दोनों ही चीज़ें मैंने बहुत कम क्वांटिटी में डाली हैं। लेकिन यकीन मानिए इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे। ये देखिए मसाला एकदम ड्राई हो गया है, मसाला हमारा जलना भी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड किया है। तो जिस ब्लेंडर में हमने टमाटर पीसे थे ना, वो उसको भी हमें वेस्ट नहीं करना है, तो उसी में ही थोड़ा सा पानी डाल के वो पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, जो हमारे अनियन शेल्स थे डीप फ्राई करे हुए, और जो हमारी भिंडी है अब उसको भी हम इसमें डाल देंगे। बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है, लेकिन ध्यान रहे एकदम बहुत सॉफ्ट और लाइट हैंड से मिक्स करना है, बहुत तेज़ हाथों से आपको इसे मिक्स नहीं करना है, नहीं तो भिंडी जो होती है उसमें एक लस होता है, वो लस जो है वो निकलने लगेगा। तो एकदम लाइट हैंड से हल्के से आपको इसे मिक्स करना है, लेकिन फ्लेम को हाई पे ही रखना है, क्योंकि भिंडी को हमें और क्रिस्पी बनाना है। अब हम इसको ढक देंगे। अब ढकने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए 5 मिनट हो गए, अब हमारी भिंडी दो प्याज़ा बनके एकदम तैयार है। बहुत ही अच्छा इसके ऊपर कलर आ गया है, भिंडी भी सॉफ्ट हो गई है, अनियन का भी इसमें हल्का सा क्रंच है, चिलीज़ भी हमने इसमें ऐड की हैं, तो बहुत ही टेस्टी भिंडी दो प्याज़ा बनके तैयार है। इसे रोटी के साथ, पूरी के साथ आप खाइए, बहुत अच्छी लगती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।